वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस आज मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मुर्शिद गाजी बाय नदीम सरवर। एंड यस बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इस नोहे के लेके, इसलिए फाइनली लेना पड़ा आज। एंड आज आई थिंक एक ही वीडियो आएगा बिकॉज मेरी थेरी की एग्जाम है। सो या मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कुछ बताया इस नोहे के लेके, मुर्शिद का मतलब होता है टीचर, गाजी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। एंड एक और चीज़ बताई है इस नोहे के लेके, वो ये है कि जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम थे उनके पास एक फ्लैग हुआ करता था जो पहले रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम के पास था, देन अली मौला अलैहिस्सलाम के पास आया, देन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, देन फाइनली मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के पास वो फ्लैग आया। एंड यस मुर्शिद का मतलब लीडर होता है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लो इंडियन आर्मी है या फिर पाकिस्तान आर्मी है, तो सबके इसमें एक सिपे सलार होता है, तो उनके पास एक फ्लैग होता है, तो उन्हीं को कहते हैं कि लीडर, एक नेतृत्व करने वाला जो कहता है कि भाई हमला ये वो, मतलब उनके पास एक फ्लैग होता है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब वही है। एंड जो भी है अभी इस नोहे के अंदर पता चलेगा बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी क्या है नहीं है इस नोहे के अंदर। यस फ्लैग की इंपॉर्टेंस मुझे लग रहा है चलने वाली पता है इस नोहे के अंदर में, बिकॉज मुझे बताया गया बहुत एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है इस फ्लैग के बारे में इस नोहे के अंदर में। मैंने बिल्कुल सुना नहीं है, बाकी अब सुनने के बाद ही पता चलेगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। रॉयल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट, भाई इस बार प्लीज क्लेम मत देना मेरे को। स्टार्टिंग में तो सलाम या हुसैन मैन, बहुत अच्छी बात है। मुर्शिद गाजी अब घर घर पर लहराता है, लहराता है अलम मेरे मुर्शिद गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का। मैं नौकर हमें नौकर हमें नौकर मौला गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का। तेरा मौला गाजी का कहना, तेरे दर की नौकरी क्या कहना, तेरी करम नवाजी क्या कहना, तेरे नाम की हाजिरी क्या कहना। जहाँ जिस तरखान ये सचता है, जहाँ जिस तरखान ये सचता है, उस घर की शान बढ़ाता है। अलम मेरे मुर्शिद गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का। मैं हमें नौकर हमें नौकर मौला गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का। मैं गम से जब घबराता हूँ तो पास अलम के जाता हूँ, रो रो के मौला गाजी को मैं दिल का हाल सुनाता हूँ। मेरे सर पर साया करता है, मेरे सर पर साया करता है, मेरी हिम्मत और बढ़ाता है। अलम मेरे मुर्शिद गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का। मैं हमें नौकर हमें नौकर मौला गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का, अलम मेरे मुर्शिद गाजी का।
क्या गाजी 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 अब्बास करम फरमाओ ना अब्बास करम फरमाओ ना कभी मौजज़े दिखलाओ ना मेरे घर भी सजा है तेरा अलम कभी मेरे घर भी आओ ना सरकार मेरे घर आएंगे सरकार मेरे घर आएंगे मेरे दिल की आस बंधाता है अलम मेरे मुर्शिद काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का मैं नौकर हमें नौकर हमें नौकर मौला काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का ये परचम अमन का नारा है ये परचम पाक सहारा है तू प्यार करे तो तेरा है मैं प्यार करूं तो मेरा है जो इसके दीप जलाता है जो इसके दीप जलाता है ये उसके भाग जगाता है अलम मेरे मुर्शिद काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का मैं नौकर हमें नौकर हमें सवार जो घर से चलता है ये इस पर साया करता है घर से घर तक पहुँचाने की अब्बास जमानत देता है लाखों सवार जो चलते हैं उन्हें घर बला पहुँचाता है अलम मेरे मुर्शिद काजी का मैं नौकर हमें नौकर हमें नौकर मौला काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का या काजी या काजी या काजी 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 हामाश को अलम से याद आई प्यास असगर और सकीना की मजलूम हुसैन की तन्हाई ज़ैनब बाजार में क्यों आई जब पाक अलम ये उठता है जब पाक अलम ये उठता है हर मन जर याद दिलाता है अलम मेरे मुर्शिद काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का मैं हमें नौकर हमें नौकर मौला काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का जब आठ मुहर्रम आती है गाजी की याद दिलाती है जवादो सरवर ये दुनिया अब्बास का सोग मनाती है उस वक्त जुलूस से मातम में उस वक्त जुलूस से मातम में हर मातमदार उठाता है अलम मेरे मुर्शिद काजी का अलम मेरे मुर्शिद काजी का मैं नौकर हमें नौकर हमें अलम मेरे मुर्शिद काजी का या काजी या काजी या काजी 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 या काजी या काजी या काजी 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 आता है अलम मेरे मुर्शिद फ्लैग ऑलवेज से एक रिस्पेक्टेड चीज हुई है मतलब तुम्हें भी पता है चाहे फिर वो देश का हो या फिर किसी भी देश का हो यहाँ तो भाई मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का
फ्लैग है। एंड मैंने सुना इनके फ्लैग पे या अब्बास लिखा होता है। एंड यस, सबके घरों पे होता है, करबला के दिन में सब हाथ में लिए फिरते हैं। एंड स्पेशली 8वें मुहर्रम पे उनकी शहादत हुई थी। उस दिन जो लोग मातम मनाते थे उस वक्त भी आई थिंक लोग क्या कहते हैं इसे, ये फ्लैग लहराते हैं। यस, अलम कहते हैं इसे, अलम लहराते हैं। एंड यस, जब भी कोई परेशानी में हो, कोई भी कठिनाई में हो, कोई भी दिक्कत में हो, तो भाई भले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत हो चुकी है, लेकिन वो जो फ्लैग जब लहराते हैं ना, तो एवरीथिंग जिसे कहते हैं सब कुछ क्लियर, सब कुछ, सब भी जो जो मतलब दुख होता है ना, सब दूर, एवरीथिंग एवरीथिंग इज गॉन। सो यस, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। एक तरह से कहा जाए तो अपने लिए एक लीडर थे ना, मैन अपन उनके लिए कहते ना, स्टार्टिंग में एक लाइन थी वो हाजिरी लगाने वाली स्पेशली, देन यस वो एक लीडर थे, वो एक टीचर थे जो कि नेतृत्व करता है सारे सेना का, एवरीथिंग हर चीज़ से बचाने वाला, मुर्शिद गाजी। यस एंड यस, बहुत अच्छा टाइटल भी यार, मुर्शिद गाजी बहुत सही लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुर्शिद गाजी 2019 का ये नवा है 14th एल्बम। यस, बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त। या अब्बास लिखा होता है, जो कि बहुत सही बात है, बिकॉज वे रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी लोग हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की, ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कितनी भी, मैंने कहा जितनी भी जड़ी बड़ी परेशानी, मतलब तुम कह सकते हो कि मौला अब्बास एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत बावफा कहते हैं ना, बावफा, बहुत ज़्यादा वफादार था, क्योंकि उन्होंने भाई पानी लाने के लिए गए थे नहर पे, उन्होंने पानी तक पिया नहीं था वहाँ पे, वहाँ पानी उन्होंने पिया तक नहीं। क्यों नहीं पिया? क्योंकि तुम्हें भी पता है ना यार, कौन प्यासी थी? सकीना प्यासी थी, सकीना सलामुल्लाह अलैहा प्यासी थी, इसलिए उन्होंने पानी तक पिया नहीं। दैट्स वाई कह सकते वो एक बहुत वफादार थे, बहुत भरोसे के लायक थे, एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे मुर्शिद थे। तो यही होता है एक रियलिस्टिक और रियल बंदा। एंड यस, एंड मुझे लग रहा है आई थिंक आज के लिए एक ही वीडियो आएगी, क्योंकि अभी थ्योरी का एग्जाम है मेरा, तो हो सकता है एक ही वीडियो आए। एंड एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, आई थिंक वो बहुत अच्छी वीडियो है। कोई पंडित है जिनका नाम आई थिंक प्रमोद, मुझे अभी पूरा नाम नहीं आ रहा, प्रमोद कृष्णम आई थिंक उनका नाम है। यस, सो उनकी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो यस, बहुत जल्दी लेके आएंगे। एंड आई होप तुमको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड यस यार, 5K करो फटाफट, 5K करीब हूँ मैं, मेरे को 5K जी यार 20 तारीख से पहले, ये 20 नहीं अगले 20 से पहले, तो मुझे लग रहा हो जाएगा बिकॉज अगले 20 को मेरा बर्थडे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट अगर ज़्यादा हो गए तो और भी सही है। एंड आई होप बहुत जल्दी अपन बहुत कुछ चीज़ों पर रिएक्शन करेंगे रिलेटेड टू पेट्रियाटिक या और कुछ, बट या बहुत जल्दी लिखाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना। ओके, बाय बाय।